प्रतापगढ़ में आज नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशी रामलाल मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरने और समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। और इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत सहित कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाओं का जिक्र किया और पिछले 5 सालों में जिले में किए गए विकास कार्य को दोहराया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश और जिले में विकास के लिए काम किए हैं, उससे प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अपने पीछे वालों को भी ले लेना। हाँ सर, वो मैं क्या मुख्य रूप से क्या मुद्दे रहेंगे और क्या मान रहे हैं? आज सबके आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद में 1 बजे से नामांकन रैली होगी। 4 बजे शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई 4 बजे स्टेडियम के अंदर सभा होगी। मुद्दे तो जो जो हमने घोषणाएं की थी सारे काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पूरे किए। कई सारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया जो गरीबों के जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री ने 7 गारंटी योजना दी है, जो सबसे पहले तो 10,000 रुपये हर महिला के खाते में हर साल में जमा होंगे, 2 रुपये में ये गोबर खरीदेंगे, OPS पेंशन को गारंटी के साथ पेंशन के लिए कानून बनाएंगे, ऐसी गारंटियाँ भी हमने लागू करी है। तो निश्चित रूप से पिछले 5 साल के अंदर जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये पिछले 35 वर्षों से यानी हुए, उसी को लेकर इस बार जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में और प्रतापगढ़ में भी।